और लखनऊ में मलबे के नीचे दबे लड़के के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। मलबे में दबे लड़के का पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू किया। लड़के को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल में पहुंचाया गया। और ताजुब की बात यह है कि इतने मलबे में दबे होने के बाद भी लड़के को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोग घायल हो गए थे। और उसके बावजूद भी कुछ लोग दबे हुए थे, जिनको कल रात तक टीम बाहर निकालने में जुटी रही। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक व्यक्ति जो कि काफी देर तक मलबे के नीचे दबा रहा, ताजुब की बात यह रही कि उसे सुरक्षित निकाल लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू के दौरान की है, जब उस व्यक्ति को मलबे के नीचे से निकाला गया था। तो तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी कि कैसे रेस्क्यू करके उस व्यक्ति को बाहर निकाला गया जो कि घंटों इस मलबे के नीचे दबा रहा। कल मौके पर एक एनडीआरएफ और साथ ही 2 एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही थी। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 28 लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं 8 लोगों की दबकर मौत हो गई है। और वहीं घायलों से मिलने पहुंची डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। घायलों का डिप्टी सीएम ने हाल जाना है। बता दें कि हादसे में 28 लोग घायल हुए थे। तो कल लखनऊ में एक बड़ा बिल्डिंग हादसा हो गया था, जिसमें करीब 20 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी और 28 लोग घायल बताए जा रहे थे। बेहतर से बेहतर ढंग से किया जा रहा है। लोकबंधु अस्पताल में अभी 10 घायल एडमिट हैं, उनसे सभी से हमने बात किया है, सभी लोग सुरक्षित हैं और उनका इलाज उच्च कोटि का बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। और सब कुछ, कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और इस घटना में, दुखद घटना में 8 हमारे भाई असमय मृत्यु का शिकार हुए हैं। हम हृदय की गहराइयों से शोक संवेदना अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें।